कैसे हो आप सभी दोस्तों। एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज मैं इधर घूमने आया हूँ, काम कर रहा था, पीछे चल रहा है काम, तो इधर आया हूँ। राजस्थान में एक बहुत ही महंगी सब्ज़ी है जो कि मिलती है। तो दोस्तों राजस्थान में बहुत ही महंगी सब्ज़ी है और वो सब्ज़ी है किकोड़ा। दोस्तों आपके उधर उसको क्या बोलते हैं, पर हमारे इस राजस्थान मारवाड़ी में उसे बोलते हैं किकोड़ा दोस्तों। तो वही ढूंढने के लिए दिनेश गया है, रतनदा और मुकेश गए हैं आगे, तो मैं जा रहा हूँ उनके पीछे पीछे। दोस्तों वो कहाँ गए हैं तो उसको ढूंढने में जा रहा हूँ, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और वीडियो दोस्तों पूरा देखिए। मैं आ गया हूँ जंगल की ओर और दिनेश और मेरे रतनदा और सब ये जो लोग हैं वो जंगल में हैं। ये देखो इस तरफ जंगल है, तो जंगलों में फैल गए हैं, ये ढूंढ रहे हैं किकोड़ा। किकोड़ा है जो होता है, मैं दिखाऊंगा आपको। हाँ, हमारी भाषा में इसको हम बोलते हैं किकोड़ा बोलते हैं। तो कैसा होता है किकोड़ा वो भी दिखाऊंगा, और बहुत ही बेस्ट सब्ज़ी बनती है। तो ढूंढने आए हैं इधर जंगल में, दिनेश देखो वो ढूंढ रहा अंदर। मेरा काम है सिर्फ वीडियो बनाना, लोग क्या करते हैं लोगों को दिखाना, और क्या क्या काम चलता है वो दिखाते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ दिनेश के पास, अंदर आ गया हूँ दिनेश। दोस्तों बहुत ही रिक्शी काम है ये। दोस्तों आप लोगों ने किकोड़ा नहीं देखा हो तो मैं दिखा देता हूँ। दोस्तों देखो ये रहे ये किकोड़े, और इसकी ये बेल लगी हुई है, देखो लगे हुए हैं। तो यही जो किकोड़े होते हैं राजस्थान में, इसकी जगह जगह पर बहुत ही बेस्ट सब्ज़ी बनाते हैं लोग, और ये जंगलों में मिलते हैं, बारिश के टाइम पर मिलते हैं, बाकी नहीं मिलते हैं। तो अभी देखो बहुत बड़ी बड़ी घास हो गई है, ये देखो पूरे मैदान में, पूरे जंगल के इलाकों में एक घास, देखो इस तरह से ये घास है। और ये दिनेश भाई ढूंढ रहे हैं किकोड़ा, और आज शाम को लगता है ये सब्ज़ी बनाएंगे मस्त एकदम। बहुत ही बड़ी बड़ी घास है देखो दोस्तों, हरी हरी होगी तुम। दो लोग और हैं, रतनदा और मुकेश आगे गए हैं, और हमें डर है कि वो सारे किकोड़े बिन न ले, सब तोड़ न ले। वो दोनों वो जा रहे हैं आगे आगे, इसलिए हम लोग भी जा रहे हैं जल्दी जल्दी। ये है दोस्तों सीताफल के पेड़, सीताफल लगना शुरू हो गया। ये देखो ये सीताफल के पेड़ है, इस पर अभी सीताफल लगना शुरू हो गया है। आगे 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 ओटी ने चल चल चल। अभी शायद लगभग किकोड़े के जो भाव होते हैं मंडी में जाते हैं हम लेने, तो कम से कम 50 रुपये पाव मिलते हैं, यानी 200-250 रुपये किलो ये मिलते हैं किकोड़े। तो इसीलिए फ्री में इधर ढूंढने आए हैं जंगल में, मिल जाए तो सही अच्छा है, और नहीं मिलेंगे तो फिर वापस क्या अपने काम पर चले जाएंगे। एक बार प्रयास करने से किया जाता है, और
अब देखो, अब मेन जो बड़ा जंगल है इसके अंदर एंट्री इन लोगों ने ले ली है, और मुकेश को मिला है छोटा सा किकोड़ा। ये देखो, ये इतने से किकोड़े से क्या होता है दोस्तों, ये बेकार तोड़ दिया रेल जब। दोस्तों ये चीज़ क्या है, देखो दोस्तों ये वाली चीज़ है ना, ये इस जंगल में बहुत सारे जगहों पर लग रही है, छोटे छोटे दाने की तरह है। हम इसे राजस्थानी में, मारवाड़ी में बोलते हैं इसको, दाड़ा बोलते हैं। आपके उधर क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट करके बताइए। ये रतनदा अभी गया था अंदर तो ये लेके आया, और ये चीज़ें जो है हम लोग इधर खाते हैं, खट्टी खट्टी लगती है छोटी छोटी बिल्कुल, और छोटी छोटी दानों जैसी होती है। देखो दोस्तों ये वाली, देखो जितने पेड़ लग रहे हैं ना, ये सीताफल के पेड़ है। सीजन है सीताफल का, बारिश का मौसम चल रहा है तो सीताफल जो है लगना शुरू हो गया है। ये मुकेश थोड़ा डांस किया है, खिलाएंगे आपको। और दोस्तों ये देखो, ये सीताफल का पेड़ है ना, इनके लग रहे हैं सीताफल। ये देखो बहुत ही बड़े हो गए सीताफल, अब ये कुछ दिन के अंदर खेला जाएंगे और फिर बाद में इसको पका सकते हैं और खा सकते हैं। ये रहा दोस्तों दाड़ा का पेड़, आपको खिलाया जाएगा। ये देखो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं, छोटे छोटे दाने की तरह। ये देखो देखे आप लोग, ऐसे होते हैं दाड़ा के पेड़, हमारे इधर इसे लोग खाते हैं, छोटे छोटे होते हैं हरे हरे। रोड पे किकोड़ा नहीं ला दी रहा, मैं नहीं ला दी किकोड़ा। तालाब भरा है छोटा सा, पानी भरा इधर दोस्तों। देखो खड्डे में बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है राजस्थान में भी, और राजस्थान का एरिया कुछ इस प्रकार है। देखो पूरा जंगल का इलाका चारों तरफ, चलते चलते हम इतना दूर आ गए हैं, आधा किलोमीटर हम दूर आ गए हैं जहाँ पर हमारा काम चल रहा है, वहाँ से हम इतना दूर आ गए हैं। और दिनेश गो ये और रतनदा है, खेमराज है, तीनों इस जंगल में किकोड़ा ढूंढ रहे हैं, और मैं बैठा हूँ यहाँ पर, देख सकते हो ये रोड के जो किनारे साइड पुल पर छोटा पिलर बना हुआ है, यहाँ पर बैठा हूँ मैं। और ये जो लोग हैं चारों तरफ फैल कर किकोड़ा ढूंढ रहे हैं, अब कितना किकोड़ा मिलता है वो पता नहीं है, पर फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ रहे, ढूंढ रहे हैं। मुकेश आ गया है मेरे पास, ये देखो। और दोस्तों हम लोग आए थे दौड़ काम करने के लिए, तो छुट्टी हुई है 1 बजे, हम लोग खाना खाने के लिए छुट्टी किए थे, तो
जब हमारे एक घंटा की छुट्टी मिलती है दिन की, तो फिर हम लोग इधर आ गए हैं टिकोड़ा ढूंढने। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगता है? अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, और चैनल को दोस्तों सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिल रहा है तो सपोर्ट भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहिए।